हेलो दोस्तों, काद्यांश किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मशरूम की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है और ये पार्टी स्टाइल मैं इसे बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमने जो सामान लिया है वो है मशरूम, 3 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज, 2 हरी मिर्चें, अदरक का पेस्ट लिया है, कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 इंच के करीब दालचीनी और 3 हरी इलायची। और इसके साथ मसालों में मैंने लिया है नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, गर्म मसाला और ज़ीरा। सबसे पहले हम टमाटर को मिक्सी जार में, छोटे वाले जार में हम काट के और मिर्ची के साथ में पीस लेंगे और फिर हम मशरूम्स को अच्छे से धोने के बाद में हम काट लेंगे। तो नीचे की जो डंडी होती है उसे आप काट लें और उसके बाद में आप चाहे तो ऊपर का इसका छिलका उतार के काट सकते हैं या फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट इसे काट करके सब्ज़ी बना सकते हैं। तो ये सब्ज़ी दोस्तों बहुत ही हेल्दी बनने वाली है क्योंकि मशरूम बहुत ही हेल्दी है, रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर है। तो ये सब्ज़ी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना वो तरीका भी बहुत ही आसान है और इससे टेस्टी भी बहुत बनती है। तो हेल्थ भी है, टेस्ट भी है, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबाएँ, उसके बाद में घंटी को दबाइएगा। घंटी दबाने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन आपके आप तक आए इसके लिए ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे की हमारी सारी रेसिपी सबसे पहले आप तक तुरंत ही पहुँचे। तो ये देखिए मशरूम्स को मैंने रफली काट लिया है, एक मशरूम के लगभग मैंने 4 हिस्से में मैंने इसे काट लिया है और ये रेडी हो गई। ये मैंने धो करके जब मैंने काटा है और अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में मैंने डाल लिया है सरसों का तेल, तो क्योंकि हम तेल कम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो 1 बड़ा चम्मच तेल काफ़ी है और इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा। जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच और इसके बाद में दालचीनी और हरी इलायचियों को हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें और जब ये अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद में हम लहसुन को अच्छे से बारीक काट करके डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को आप अवॉइड भी कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए बारीक आप इसे काट करके डालें। और जब ये अच्छे पक जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो लगभग 1 से 2 मिनट के करीब हम इसे लो फ्लेम पे भून लेंगे ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप जो मैं ग्रेवी इसमें बता रही हूँ आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी इसकी ग्रेवीज़ आप अलग अलग वैरायटी की बना करके डाल सकते हैं लेकिन ये वाला सिंपल और बेस्ट तरीका है, इसीलिए मैं ये इस तरीके से मशरूम की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें अब हम डाल लेंगे प्याज को, तो प्याज को भी मैंने रफली काट लिया था और उसे भी मैंने डाल लिया है। प्याज डालने के बाद में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, तो लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल लिया है। नमक मैंने शुरुआत में इसलिए डाल लिया है ताकि प्याज जो है थोड़े से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और मीडियम फ्लेम पे मैंने अभी पका रही हूँ। नमक को आप वैसे भी मसालों के साथ में बाद में डाल सकते हैं। और ये देखिए ये जब थोड़े से गुलाबी होने लग जाएंगे तब हम इनमें डाल देंगे हमारी टमाटर की प्यूरी जो हमने रेडी कर ली थी हरी मिर्चें डाल करके। अदरक का पेस्ट अगर आपके पास अलग से नहीं हो तो आप मिक्सी में जब हम टमाटर और हरी मिर्ची पीस रहे थे उसी टाइम पे आप अदरक के टुकड़े को उसमें डाल लें और साथ ही पीस लें। तो अब हम इसमें डाल लेंगे मसाले, तो आधी छोटी चम्मच मैंने डाल ली है हल्दी और 1 छोटी चम्मच मैंने डाल ली है भर करके लाल मिर्च का पाउडर और 2 छोटे चम्मच के करीब मैं डाल दूँगी धनिया का पाउडर। और गरम मसाला हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच क्योंकि हमने कुछ खड़े मसाले भी डाले हैं तो गरम मसाला यहाँ पे इसीलिए मैं पाउडर को थोड़ा ही डाल रही हूँ। अगर आप खड़े मसाले नहीं डाल रहे हो तो आप 1 चम्मच भर करके गरम मसाले को डाल सकते हैं। और इसके बाद में हम मसालों को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, तो एक बार मिक्स करें और ढक्कन लगा करके इन्हें पकने दें। तो जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। तो अभी ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हुआ है तो एक बार ही हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हम वापस से ढक करके इसे ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे ताकि मसाले, ऑयल सेपरेट हो जाता है तब मसाले अच्छे से पक चुके होते हैं ग्रेवी के साथ में। तो ये देखिए हमें बीच बीच में चलाते रहना है
और गैस का फ्लेम बिल्कुल आप लो रखिए, कम आँच पे ही हमें इन्हें भून लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जूम कर दिया है कि ऑयल कैसे अलग से दिख रहा है। तो इस टाइम पे हम पानी को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास के करीब पानी डाल दिया है जो लगभग 200 ml है, और इसे डालने के बाद में हम मिक्स करेंगे। तो मशरूम के साथ मुझे ये वाली जो ग्रेवी होती है ये बेस्ट लगती है। बाकी अगर आपको काजू वगैरह डालने हैं तो वो थोड़ी सी रिच हो जाती है, तो ये खाने में भी अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा। और हम डाल देंगे पानी डालने के बाद में मशरूम को, और मशरूम बड़ी जल्दी ही पक जाते हैं, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक बार आप इसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद में ढक्कन लगा करके हम लगभग 5 से 6 मिनट के करीब इसे पका लेंगे। तो लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, और ये देखिए बीच में आप एक बार ये ढक्कन खोल करके चला लें। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बन रही है, ऊपर से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। और मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच के करीब चीनी। चीनी डालना बहुत ही ज़रूरी है, चीनी डालने से इसमें मिठास बिल्कुल भी नहीं आनी है। लेकिन हमने जो टमाटर इसमें डाले थे ना, जो टमाटर की प्यूरी डाली थी, उसकी जो खटास है उसको बैलेंस करने के लिए चीनी ज़रूर डालनी होती है। तो आधी छोटी चम्मच मैंने डाली, इसीलिए ज़्यादा नहीं डाला है, और इससे बिल्कुल भी मिठास नहीं आने वाली, लेकिन खटास बैलेंस हो जाती है। और अब आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्जी। तो आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूरियों के साथ, चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आसान रेसिपी है, और इसे बनाने में कोई मेहनत भी नहीं लगने वाली है। और जो सिंपल सामान जो हमारे ऑलरेडी घर पे होता है उसी से हमने बनाया है। तो आप ज़रूर इस तरीके से बना के देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हरे धनिए के साथ